सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है। अगर आपको वीडियो में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप में से 86% लोग वीडियो तो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप इन 86% में से हो तो वीडियो देखने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। भाई, आपने तो वीकेंडी में फुल तबाही मचा दिया। अपन भाई लोग हैं, भाई लोग की तरह रहना मांगता अपन को, समझा ना? हाँ भाई, आपका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। अरे बाबा, आप यहाँ? हाँ गणेश, मैं यहाँ। पर बाबा, आप यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पे तुम सबका शुद्धिकरण करने आया हूँ। शुद्धिकरण? ये कैसा होता है बाबा जी? आप क्या करने वाले हैं डॉक्टर साहब? शुद्धिकरण भाई जी, और क्या। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अरे मैं वो शुद्धिकरण की नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण की बात कर रहा हूँ। ओ तो फिर ठीक है, मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था। तू कौन है बे, और तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरा नाम है चमड़ी बाबा, और बाबा जाने मन की बात। यहाँ पे बाबा हो गया, एंट्री नहीं है, भागो यहाँ से। भस्म कर दूंगा तुझे, ऑलरेडी भस्म इंसान। नहीं जाऊंगा तो तू क्या कर लेगा? मैं करूंगा तो कुछ नहीं, बाकी सात के सात गोली तेरे सर में डाल दूंगा, जिससे तेरे सर का ज्योग्राफी बदल जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं भी मरना नहीं चाहता हूँ। आई एम सॉरी बाबू। अबे तू मरा कैसे? नहीं ये मैं तुझे बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझता। चल अब मैं तुझे अपना पावर दिखाता हूँ। बाबा ये आपने क्या कर दिया, आपने मेरे ही बंदे को मार दिया। क्या ये तुम्हारा बंदा था? हाँ बाबा, ये मेरा बंदा था, इसका नाम पेनमैन है। क्या बात कर रहे हो, ये पेनमैन था? हाँ बाबा, यही पेनमैन था। लेकिन इसका तो व्हाइट वाला आउटफिट था ना। ये एक लंबी कहानी है, आप डिस्क्रिप्शन से सीजन 3 का मर्ज वर्जन देख लेना, आपको समझ जाएगा। चलो अब जल्दी से पेनमैन को जिंदा कर दो, और उसे कोई अच्छा सा आउटफिट भी दे देना। अच्छा ठीक है, अभी करता हूँ। थैंक यू बाबा, मुझे जिंदा करने के लिए। चल अब मस्का मत मार और चुपचाप खड़ा हो जा, मुझे तेरा आउटफिट भी बदलना है। ठीक है बाबा। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। चमड़ी बाबा की जय हो, चमड़ी बाबा की जय हो। हाँ हाँ, चमड़ी बाबा की। हाँ समझ गए, समझ गए, जय हो। चलो अब यहाँ देखो तुम दोनों। भाई आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये हमारी हेल्प करने आए हैं? तूने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया, जब से आया तब से चमड़ी बाबा के साथ लगा हुआ है। सॉरी भाई, गलती से मिस्टेक हो गया। और बाबा आप भी क्या बच्चों ऐसा लड़ रहे थे? माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब ये सब छोड़ो और बताओ कि आप यहाँ क्यों आए हो? मुझे वीकेंडी में बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया, जिससे मुझे अकेलापन भी महसूस ना हो और मैं पूरा मन लगा के तपस्या कर सकूं। अच्छा किया बाबा जी आप यहाँ आ गए, मेरे पास एक जगह है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप पूरा मन लगा के तपस्या कर पाओगे। कहाँ है वो जगह? चलो मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। हाँ चलो। अरे चालू जी, पांडे जी आप यहाँ? हाँ आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो पांडे जी, क्या बात करनी है? मुझे दरअसल आपको एक वार्निंग देनी है। कैसी वार्निंग, मैं कुछ समझा नहीं। एनसीबी वाले कल पूरे वीकेंडी में रेड मारने वाले हैं। हाँ तो मरने दो उन्हें, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं वहाँ जाके चरस गांजा मारता हूँ। आप नहीं, मगर आपका बेटा तो मारता है ना, इसलिए संभाल लो उसे, वरना देर हो जाएगी और आपका इलेक्शन जीतने वाला सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ, अभी आप जाओ। मकबूल, तुम अभी के अभी वीकेंडी जाओ और मुन्ना को यहाँ लेके आओ। ठीक है भैया जी। Clock
nothing, Joker. तुम यहाँ क्यों आए हो बे? हम आपको लेने आए हैं। मैं कहीं नहीं आ रहा, चलो जाओ यहाँ से। भैया जी आपको आना ही होगा क्योंकि कालीन भैया ने आपको बुलाया है। हमने एक बार बोल दिया ना कि हम नहीं आ रहे तो बस बात खत्म। अब फालतू में हमारा दिमाग मत खराब करो और चुपचाप चले जाओ यहाँ से। कालीन भैया। हाँ मकबूल, बोलो क्या हुआ? मुन्ना भैया हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। क्या बोला मुन्ना ने? वो बोले कि हमने एक बार बोल दिया ना कि हम नहीं आ रहे तो बस बात खत्म, अब फालतू में हमारा दिमाग मत खराब करो और चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तुम वहीं रुको, मैं अभी उसे फोन करके बाहर भेजता हूँ। ठीक है भैया जी। हेलो मुन्ना। कौन बोल रहा है बे? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ बदतमीज। बेटा मेरे बाप का नाम कालीन है, बदतमीज नहीं। लगता है तूने अपने बाप को कॉल लगा दिया है क्योंकि तेरा बाप मैं हूँ। बिशु चोमू लड़के हो तुम, मैं कालीन ही बोल रहा हूँ तुम्हारा बाप। अरे पापा जी आप हो क्या? मुझे लगा कोई मेरी मजे ले रहा है इसलिए मैं भी थोड़ा भावुक हो गया। चलो अब ये सब छोड़ो और जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है पापा जी अभी आया। क्या हुआ भैया जी, किसका कॉल था? तुम्हारे दादा का कॉल था भोपाड़ी के। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अरे पहले हमारे पापा का कॉल था, उन्होंने हमें घर बुलाया है। तो फिर अभी आप घर जाओगे क्या? नहीं तुम्हारे अम्मा के साथ पिकनिक जाएंगे। क्या भैया जी आप भी हमेशा मेरी लेते रहते हो। अच्छा सुनो अब हम जा रहे हैं अपने घर, तुम लोग भी थोड़ी देर बाद अपने घर चले जाना। ठीक है भैया जी। तुम अभी तक यहीं हो बे, घर नहीं गए? आपको लिए बगैर कैसे जा सकते थे? इसका मतलब तुम्ही ने पापा जी को कॉल करने बोला होगा ना? हाँ भैया जी आप नहीं आ रहे थे तो इसलिए हमने कालीन भैया को कॉल करके सब बता दिया और फिर उन्होंने आपको कॉल किया। और तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। सॉरी भैया जी। अब जो हुआ सो हुआ, चलो अब जल्दी से पापा जी के पास चलते हैं। हाँ चलो। क्या हुआ पापा, आपने मुझे ऐसे इमीडिएट क्यों बुलाया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ पापा जी बोलो ना, क्या बात करनी है? आज से तुम कभी भी वीकेंड ही नहीं जाओगे क्योंकि कल एनसीबी वाले पूरे वीकेंड में रेड मारने वाले हैं। लेकिन पापा एक वही तो जगह है जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे पता है तुम वहाँ टाइम स्पेंड करने नहीं बल्कि नशे करने जाते हो, इसलिए आज से तुम्हारा वीकेंड ही जाना बंद। मगर पापा आप एनसीबी वालों से इतना क्यों डर रहे हो? आप तो कालीन भैया हो, द किंग ऑफ लिविंग लोग। बेटा मैं डर नहीं रहा, मैं तुम्हें वीकेंड ही जाने से इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि अगर तुमने रूल फॉलो किए तो मैं लोगों को एक एग्जांपल दे पाऊंगा कि रूल सबके लिए सेम होते हैं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, जिसे हम लोगों का ट्रस्ट और वोट्स जीत सके। लेकिन पापा मैं ही हमेशा बलि का बकरा क्यों बनता हूँ? क्योंकि तुम प्रचंड चोमू लड़के हो। अब चुपचाप अपने रूम में जाओ और इलेक्शन के प्रचार की तैयारी करो। हेलो इब्बू। हाँ मुन्ना भैया बोलो क्या हुआ? इब्बू तुम लोग वीकेंड से आ गए हो ना? हाँ हम लोग जस्ट अभी आए, आपको कुछ काम था क्या? क्या बताओ इब्बू, एक तो पहले से ही कंपाउंडर के मरने की खबर सुन के मेरा दिमाग खराब था और ऊपर से अब पापा ने भी मेरा वीकेंड जाना बंद कर दिया। मगर कालीन भैया ने आपको वीकेंड जाने से मना क्यों किया? वो सब मैं तुझे मिल के बताऊंगा, तू अभी अपने बंदों को तैयार कर, हम लोग आज ही रेंगलपुर जाके उस गणेश गायतोंडी की खबर खोदेंगे। अच्छा ठीक है भाई, मैं अभी सबको तैयार करता हूँ। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। और अगर आप लोग को वीडियो में आना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना। तो मिलता हूँ आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।